After a smashing win against Aussies, we are all set to play with New Zealand. So, matlab, sahi hai. And it's going to be massive. We asked Mumbaikars about the next match against New Zealand. Let's see what they have to say. Bhai, cricket dekhte ho? Haan. Aapka naam kya hai? Sachin. So, matlab, sahi hai. New Zealand ke saath match hai apna Thursday ko. Aur Shikhar Dhawan nahi khel rahe. क्या लगता है उनकी जगह कौन आ सकता है टीम में? शिखर धवन की जगह तो अभी मुझे लग रहा है रोहित ओपनिंग कर रहे हैं ना, अभी शायद से ओपनिंग में शायद सरप्राइजिंगली हार्दिक पांड्या को भी ले सकते हैं, क्योंकि वो नंबर 7 पे खेलते, तो उनको शायद बैकअप दिनेश कार्तिक भी है ओपनिंग के लिए, क्योंकि वो भी पहले ओपनिंग करते थे. तो के एल राहुल ओपनिंग लाईल आणि शंकरला चौथ्या स्थानावर, दुसरा आता ओपनर तसा पण नेलेल नाही आहे, पण राहुल करू शकतो ओपनिंग. शिखर धवन पण खेळू शकतो, पण रोहित शर्मा तर परफेक्ट गेम, जडेजा आला तर घ्यायलाच पाहिजे, आणि त्याची बॉलिंग पण आहे. बॉलर अजून एक लागणारच, कारण केदार जाधवला तर नाही खेळायला चाललाच नाही ना. उसके जगह पे अगर ओपनर चाहिए तो पृथ्वी शॉ ऑप्शन है अपने को. अच्छा ही बैट्समैन है, अंडर 19 वर्ल्ड कप का कैप्टन भी था, कैप ये भी लाया, तो ओपनिंग के लिए मैं पृथ्वी शॉ को रिकमेंडेड करूंगा. फिलहाल इंडियन टीम में उसके जगह लेने का कोई नहीं है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है. अभी वो तो इंजर्ड हो चुके हैं. इंजर्ड हो जगह तो अभी कोई आएगा, लेकिन धवन होता है खास करके, बहुत फॉर्म में है. धवन की जगह किसको लेंगे ओपनिंग बैट्समैन, कोई तो लगेगा? धवन को जगह मेरे हिसाब से अभी रहने ही बेटर होगा, और दूसरा कोई अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से. आपको लगता है ये टाइम इंडिया जीत सकती है? हाँ, इंडिया, क्योंकि न्यूजीलैंड का पहले ऐसा टीम नहीं है, उनके बहुत से प्लेयर रिटायर भी हो गए, अभी उनकी टीम बन रही है, अभी मतलब चांसेस इंडिया जीतेगी. फील्डिंग पहली का बैटिंग पहली त्याच्यानुसार त्या पिचच्यानुसार आपण सांगू शकतो की बा काय, पण माझ्यामध्ये चेस करण्यापेक्षा फर्स्ट शूड टेक बॅटिंग अगेन्स्ट न्यूझीलंड अँड गिव्ह इट टू चेस. जिंकणार आरामध्ये. 100% इंडिया जीतेगा. कोर्स 100% जीतेगा ये मॅच, 100%. आपको क्या लगता है इंडिया टीम में ऐसा कौन प्लेयर है जिसकी वजह से पूरा गेम चेंज हो सकता है? ऐसा तो सभी है, बट मोस्टली तो विराट के ऊपर ही है. विराट चलते तो पूरी टीम में मोटिवेशन आता, नहीं तो फिर टीम पूरी वो हो जाती है. विराट कोहली फर्स्ट, धोनी, हार्दिक पांड्या बेस्ट ऑलराउंडर है इन वर्ल्ड, द वर्ल्ड वो बेस्ट ऑलराउंडर है. एक जस्टिस बुमराह, नंबर 2 विराट कोहली, तीसरा रोहित शर्मा ही है. टीम इंडिया के लिए कुछ बोल ही दो आपके अंदाज में, आपके स्टाइल में. मेरे स्टाइल में टीम इंडिया के लिए आप लोग अच्छा खेलो, वर्ल्ड कप हमारा देश में लेके आओ, आपके सबके लिए मेरा बधाई है.